जय झारखंड मजदूर समाज द्वारा आज BSL के ADM बिल्डिंग के मुख्य गेट पर सफाई कर्मियों द्वारा 2 महीने से भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कूड़ा गाड़ी लेकर मुख्य गेट समेत सड़क को घंटों जाम कर दिया और BSL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मौके पर मजदूर समाज के महामंत्री BK चौधरी ने कहा कि प्रबंधन की लापरवाही से इन मजदूरों के सामने भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण इनका परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रबंधन इन मजदूरों के खातों में उनके बकाए राशि को नहीं डालता, तब तक मजदूर यहां से नहीं हटेंगे। नगर में जो कचरा कलेक्शन कर रहा है, टोटल 235 इसमें सुपर और सुप्रेस है, जिसका 4-5 महीना से, जो पहले टाइम 10 तारीख के अंदर पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन 4-5 महीना से 15-20 तारीख करने लगा। अभी बुरा स्थिति तब आ गया जब जून का पेमेंट आज 4 अगस्त तक नहीं हुआ और जुलाई भी दूसरा महीना आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्वीपर लोग है, गरीबी के हालत में है, 4-10 बच्चे सबके परिवार में है और इन लोग सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच में इस इशू को लेकर के CGMTS से हमारी बात हुई, DDPND से हमारी बात हुई, ये लोग आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं। सवाल है कि ठेकेदार जो है, जो कंपनी है, ये मैनेजमेंट सर्वोपरि कंट्रेक्टर को मान रहा है, उसमें इतना भी इंसानियत नहीं है। जो शहर को साफ रख रहा है, गरीब गुरबा स्लीपर क्लास का आदमी है, उसका वेतन के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशील वो नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। सवाल है कि आखिर उसका ठेकेदार का कहना है कि हमारा बिल नहीं मिला है और कंपनी का BSL का यह कहना है कि 6 महीना का जो GST पेमेंट हम दिए थे भार्गव कंपनी को, वह GST जमा नहीं किया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।